अस्सलामुअलैकुम, किचन विद फरीहा बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूब पर फरीहा बलोच। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जो किचन विद फरीहा बलोच के नाम से है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। इंशाल्लाह चैनल ज्वाइन करेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और मेरे प्यारे प्यारे फैमिली व्लॉग्स या फिर वीडियो जो है कहते हैं ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर आइए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। आज बना रही हूँ अपने किचन में, लेकिन इससे पहले मुझे मेरी जो प्यारी यूट्यूब फैमिली एंड माय अदर व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कैसे हैं आप सब लोग। देखें जल्दी जल्दी से रोज़े जा रहे हैं, ईद बहुत करीब आ रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर खैरियत से लाए सब कुछ। आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज बना रही हूँ ऑरेंज शिफॉन केक। ऑरेंज शिफॉन केक बना रहे हैं फॉर ईद। ईद के लिए मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो अदर लोग मुझे रेसिपी मेरी खोलते हैं जाहिर सी बातें देखने के लिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक केक बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी। तो देर नहीं करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस है, किचन में बिस्मिल्लाह के साथ चलेंगे। तो ऑरेंज शिफॉन केक के लिए जो है, ऑरेंज शिफॉन केक के लिए जो है हमने यहाँ पर लिए हुए 3 एग योक्स लिए हुए, जिसमें से एक फूट गया एज़ यूजुअल, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है पाकिस्तान में और जो है एग फूटे हुए ही आ रहे होते हैं। अच्छा, उसी की मैंने 3 एग वाइट्स लिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ देखें मेजर कप्स आपको दिख रहे होंगे, इसीलिए आज मैंने रखे हुए हैं कि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने लिया हुआ है थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, यहाँ पर है 1 टीस्पून वाइट विनेगर, डालते हुए बताएंगे। थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट लिया है मैंने, बता दूंगी आपको और डालना है तो डाल सकते हैं। ऑरेंज जूस मौजूद है मेरे पास, बेकिंग पाउडर है कोई भी अच्छा सा फ्रेश, कैस्टर शुगर है और मैदा है। अभी सिर्फ हम जो बैटर बना रहे हैं, मतलब जो हम केक बनाएंगे, सिर्फ अभी उसकी बताएंगे, जो इसकी फ्रॉस्टिंग बनेगी फिर वो बाद में शेयर करेंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चलें अब एग वाइट्स को हम करते हैं बीट करना शुरू। 2-3 यानी कि 2-3 सेकेंड बीट करके आपने इसमें जो हमने 1 टीस्पून लिया हुआ है वाइट विनेगर, क्रीम ऑफ टार्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वाइट विनेगर बेस्ट है, सबके घरों में मौजूद होता है। ये डाल के अब हम इसे इतना बीट करेंगे कि फोमी हो जाए हमारे, ठीक है। एग वाइट्स तो ये करते हैं, ये देखें एग वाइट ज़बरदस्त फोमी से हो गए, हिल विल नहीं रहे, ठीक है, बस ऐसा चाहिए। आप करते हैं बाकी आगे का प्रोसेस। तो यहाँ हम अपने मेजरिंग कप से लीजिएगा, 1 कप जो है यहाँ पर डालेंगे कैस्टर शुगर अपने 3 अंडों की जर्दी में, और अब हम इसको ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें बीट करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, 3 पार्ट्स कर लेंगे और जो है इसको इसमें, अच्छा कैस्टर शुगर नहीं है तो अपनी जो आपकी नॉर्मल शुगर है उसे बिल्कुल बारीक जो है पीस लीजिएगा। और अब करते हैं इसकी बीटिंग शुरू। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा बहुत ईजीली। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना नीम गरम पानी मैंने इसमें डाला है ताकि जो शुगर अच्छे से जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो। बस अभी से बीट करते हैं और चले हम, आखिरी जो सेशन था वो मैंने डाल दिया और 1 टेबल स्पून जितना मैंने पानी इसमें और डाल दिया, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। चलें ये अच्छा सा बीट हो गया। अब आप इसमें चाहें तो यहाँ पर वैनिला एसेंस ऐड करें, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मेरे पास दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ना वैनिला एसेंस है और ना ऑरेंज एसेंस है। ऑरेंज एसेंस इतनी आसानी से मिलता नहीं है, मिल जाए अगर आपको तो ज़रूर डाल लें, तो 1 टीस्पून वरना वैनिला एसेंस वरना 1 टीस्पून वो। अब क्या करेंगे हम, खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप जो है हमारा ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्रेश ऑरेंज जूस लिया मैंने। अच्छा जेस्ट जो है मैं थोड़ा डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अच्छा आप चाहें तो पूरा 1 टीस्पून भर के यहाँ पर अपना, आपको अगर पसंद है तो ऑरेंज जेस्ट डालिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लेंगे चंद कतरे हमारे जो है ऑरेंज कलर के, जो फूड कलर लिया है मैंने ऑरेंज, ठीक है ये हो गया। और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब इनको पहले कर लेती हूँ मैं ज़रा अच्छे से पहले बीट, ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप मैदा और इसको छान लिया है 2 बार मैंने, आप भी इसे छान लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल फ्रेश बेकिंग पाउडर डालिएगा, बहुत पुराना रखा हुआ ना हो, ठीक है। मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ और इसमें पिंच जो है मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इन सबको कर लेते हैं मिक्सअप आराम से स्पून की मदद से, और इसमें आधा आधा करके जो है 2-2 जो है 2-3 पार्ट्स, यानी कि 2
2-3 पार्ट्स में हम इसको इसमें बीटर से हल्के हाथ से बीटर को 1 स्पीड पे रखेंगे। आपने कलर देखा इसका, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ऑरेंज कलर आया। अच्छा इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा इसको ग्रेजुअली बीट करते हैं 1 पे रख के। चलिए देखें बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको पूरा साइडों से साफ़ करके करती हूँ अपना जो है पैन रेडी। चलें अभी जो है ना एक थोड़ा सा ये हो गया मुझसे कि मैं ऑयल रह गया डालना, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/4 कप के जितना ऑयल, ठीक है। बस इसको इसमें मिक्स कर दूँगी मैं स्पैचुला की मदद से। अच्छा अब यहाँ देखें ये मैंने ले लिया है अपना एक टिन और मैं इसको कर रही हूँ ग्रीस बहुत अच्छी तरीके से सब तरफ से, और ये जो एक्सेस ऑयल होगा मैं इसको निकाल दूँगी और फिर डालते हैं आपके सामने इसमें बैटर। चलें जी सॉरी उस वक्त तेल रह गया। अब ये है कि यहाँ पर एग वाइट्स इसमें ऐड कर देते हैं हम अपने, जो इसका लास्ट वो है स्टेप। अब जो है इन सबको हम आपस में क्लीन करते हैं ना अपने इस बाउल को, ताकि हम इसे आराम से मोल्ड में डाल सकें बेक होने के लिए। देखें इस तरीके से साइडों से अच्छे से सारा क्लियर कर लें और बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें जो है एग वाइट्स को फोल्ड करना है। मशीन से ना करें, हाथ से करें, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो देखें यहाँ पर यह बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। टिन में मैं इसको अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हम यहाँ पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। 180 सेंटीग्रेड ओवन का टेम्परेचर रखिएगा और फिर हम इसको करेंगे बेक। पतीली में बनाना चाह रहे हैं तो पहले इसको 10 मिनट आप तेज़ आंच पे करिएगा और फिर आप इसको छोड़ दिएगा 30-35 मिनट्स अपना जो लो मीडियम फ्लेम होता है ना उस पर, ठीक है। ये डाल दिया, अब हम आपको इसको ओवन में डालते हुए दिखाते हैं। चलें तो ओवन में डालने से पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें ताकि इसके बबल्स वगैरह निकल जाएं, एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। चलें तो ओवन में डाल दिया हमने इसे बेक होने के लिए। अब मैं इसे कर दूंगी बिस्मिल्लाह के साथ बंद ताकि अच्छा सा बेक हो जाए, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। चलें अब हम बना रहे हैं इसकी आइसिंग जो हमने इसके केक पे लगानी है हमारे, मतलब हमारे केक पे जो ऑरेंज शिफॉन केक है। तो कुकिंग जो हमारी चॉकलेट होती है क्रीमी वाइट चॉकलेट आपने ले लेनी है, जो कि मैंने यहाँ ली हुई है पूरी जो है 1 कप है यहाँ पर मौजूद, ठीक है। ओ मेरा पेपर कहाँ है, ये ना 1 कप जाएगी इसमें वाइट क्रीम, ठीक है। 1/2 कप जाएगी इसमें क्रीम। इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में मर्ज कर लेंगे और इनको 2 से 3 सेकेंड्स के लिए ना हम माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट होके मिक्स हो जाए, ठीक है। एक ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा। इसको मैं भी स्पैचुलर से निकाल लेती हूँ। 100 ग्राम्स हमें चाहिए होगा यहाँ बटर और यहाँ पर हम लेंगे 120 ग्राम्स की जो ट्राइंगल्स में मिलती है चीज़ क्रीम, वो लेनी है, वो नहीं लीजिएगा बॉटल वाली। और आइसिंग शुगर चाहिए होगी, आइसिंग शुगर जाएगी इसमें 1.5 कप के जितनी, देख लेंगे 1 कप जा रही है 1.5 कप। 100 ग्राम्स बटर पूरा जाएगा और ये चीज़ पूरी जाएगी। तो पहले इसे माइक्रोवेव कर लेते हैं। चलें इसको मैंने कर लिया 3 से 4 सेकेंड माइक्रोवेव और ये अच्छे से अब आपस में मिक्स हो रही है। वाइट चॉकलेट इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी क्रीम के अंदर। तो इसको कर देते हैं साइड पर और बाकी करते हैं प्रोसेस। यहाँ ले लिया हमने अपना 100 ग्राम्स बटर और इसमें हम देखें ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ना ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सारे, बस इन्हें खोल के भी ऐड करती हूँ फिर बीट करना शुरू करते हैं। चलें कर लिया हमने बटर और अपना जो है चेडर इसका क्रीम चीज़ के जो ट्राइंगल्स थे उन्हें और जो है अब उन्हें बीट और अब हमने इसमें डाल दी आइसिंग शुगर 1.5 कप के जितनी। चलें आप जो है हम इसमें अपना जो हमारा वाइट चॉकलेट और क्रीम का जो मिक्सचर था ये भी ऐड कर देते हैं। 1 कप ली थी हमने अपनी वाइट क्रीम नॉर्मल क्रीम ले लीजिएगा वही जो टेट्रा पैक की होती है वो डालिए आपने। इसमें वाइट चॉकलेट डाल दी 1 कप और अब हम कर देंगे इसको स्पैचुलर की मदद से जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स। स्पैचुलर कहाँ चला गया है मेरा, चलो चलें अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में बिल्कुल हल्के हाथ से ताकि बिल्कुल एक जैसा हो जाए सब कुछ ना, सब स्मूथ सा हो जाए।
देखिए वहाँ माशाल्लाह केक कितना ज़बरदस्त सा बेक हो रहा है। इधर ये मेरी आइसिंग भी तकरीबन रेडी हो गई है, इसको अब मैं रख देती हूँ थोड़ी सी देर फ्रिज में, और जो है जब तक केक बेक हो रहा है फिर इसके आपके सामने इसको जो है ना अच्छे से डेकोर करेंगे, असेंबल करेंगे। तो देखें केक बेक हो गया था, हमने उसको निकाल कर ठंडा कर लिया था, मैंने उसको टाइम दिया 1 घंटा ठंडा होने के लिए। फिर ठंडा करके हमने इसको इस तरीके से 2 पीस में कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप शुगर सिरप ले लीजिए, शुगर सिरप बना लीजिए। मेरे पास यहाँ पर चेरी सिरप रखा हुआ है, तो मैं इसको इस पर जो है ना इस तरीके से अप्लाई करूँगी ताकि केक अच्छा सा और मॉइस्ट हो जाए हमारा। तो लगा देते हैं इस तरह ब्रश से। चलो ये कर लिया। अब हमने जो अपनी बनाई थी आइसिंग, उसको मैं इस तरह इस पर डाल लेती हूँ दोनों पार्ट्स पे थोड़ा थोड़ा, और इन्हें हम जो है फिर फैलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हल्के हाथ से। तो चलें बीच में हमने डाल दिया उसको अपनी आइसिंग को, और अब हम ऊपर कर देते हैं इसको, पूरी लगा देते हैं अच्छे तरीके से ऊपर और चारों कोनों को। देखें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ले आती हूँ और यहाँ भी लगा दिए जाती हूँ, और अपने चारों कोनों को भी अच्छे से ना लगा के कवर कर लेते हैं। चलें अब अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी फेवरेट अपने नोज़ल से इस आइसिंग को जो है इस तरीके से, मैं फ्लावर्स बना के जो है कोने पे इस तरह असेंबल कर रही हूँ, तो आपने जिस तरह करना है करें, और जो कुछ डालना चाहें डालें, मैं जैसे डाल रही हूँ थोड़ा मुझे देख लीजिए, मेरा पसंद आता है तो मेरा वाला फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बस इस तरीके से कोनों पे बना लेंगे सारे, और आप जो है बस ये रेडी है, मैं इसकी कर लूँगी आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा जो है ऑरेंज शिफॉन केक। ज़रूर बनाना है आपने अपनी ईद पर, बहुत इजी इसमें जो है इसके स्टेप्स हैं, इंग्रेडिएंट्स भी कोई इतने ख़ास वो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और ईद पर बना रहे हैं तो बना सकते हैं अपने घर के लिए। बहुत माशाल्लाह मज़ेदार और बहुत खूबसूरत अपने हिसाब से, आप मैं तो जितना चॉइस कर सकती थी डेकोर मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से जितना और अगर करना चाहें तो वो उसके हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगी फरिया बलोच। तब तक यही कहूँगी सबको कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और हमेशा अच्छा बोलें। तो इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगी, तब तक फरिया बलोच को इजाज़त दीजिए। इस मज़ेदार जो है केक को अब हम इंजॉय करेंगे और आप लोगों के मुँह में आएगा पानी। अल्लाह हाफिज़।